guys, welcome again to our YouTube channel, Knowledge Hunger. I hope this channel helps you to learn digital marketing in free of course. अभी तक आप हमारी जितनी भी वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ. और आज हम बात करेंगे कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर कि कीवर्ड डेंसिटी होती क्या है, फॉर्मूला क्या है, क्या कीवर्ड डेंसिटी होना जरूरी है, क्या कीवर्ड डेंसिटी हेल्प कर सकता है आपकी रैंकिंग बढ़ाने के लिए गूगल सर्च पर, और कीवर्ड डेंसिटी किस तरह से आपको हेल्प करेगा कंटेंट जनरेट करने के लिए, और किस तरह से यहाँ पर कीवर्ड डेंसिटी आपको और गूगल बोट को या गूगल के क्रोल को आपको क्रोलर को हेल्प करेगा कि ये किस तरह का कंटेंट आपका यहाँ पर बना हुआ है. वीडियो को आखिर तक जरूर देखें. कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो हमारी इस वीडियो से रिलेटेड या पुराने ट्यूटोरियल से रिलेटेड तो कमेंट में जरूर पूछे. वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन. तो गाइस बात कर लेते हैं व्हाट इज कीवर्ड डेंसिटी. कीवर्ड डेंसिटी मेजर हाउ ऑफन अ पर्टिकुलर कीवर्ड और अ फ्रेज अपेयर इन अ पीस ऑफ कंटेंट such as a web page, article or blog post. Compared to the total number of the word in content, keyword density used to be an important factor in search engine optimization because it was believed that having a higher keyword density would help a page rank higher in search engine results. So, देखो keyword density आपकी help करती है कि आपने कितनी बार एक particular keyword को या phrase को अपने content में डाला है, अपने कंटेंट में इंक्लूड किया है, चाहे वो आपका एक वेब पेज हो या आपकी सर्विसेज हो या आपकी कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड पेज हो, आर्टिकल हो या ब्लॉग पोस्ट हो, मतलब कोई न्यूज हो या फिर आपने कोई ब्लॉगिंग लिखा हुआ है. तो आपने जितनी बार एक पर्टिकुलर फ्रेज को या फिर सेंटेंस को आपने यूज किया है ना कीवर्ड के अंदर और अपने कंटेंट के अंदर एज अ कीवर्ड उस पर्टिकुलर वर्ड को, तो वो कीवर्ड डेंसिटी होता है. जैसे डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट. So, आपने क्या किया, लिखा कि डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस एंड आपने फिर बाद में दोबारा यूज किया दैट्स व्हाट टू ग्रो योर डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट, टू ग्रो योर प्रोडक्ट, दैट्स व्हाट डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट. तो ये दो बार हो गया, करेक्ट. तो आपने पहली बार जब इसको यूज किया पर्टिकुलरली नॉर्मली कि व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट, या फिर आज हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है. इस तरह से जितनी बार आपने डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट एक फ्रेज को यूज किया वो आपका हो गया, या डिजिटल मार्केटिंग को आपने जितनी बार यहाँ पर यूज किया वो आपका एक फ्रेज हो गया. मैं आपको बाद में दिखाता हूं भी हूं, एक दो ब्लॉग हम लोग ट्राई करेंगे कि किस तरह से ये काम यहाँ पर करता है. तो देखो नॉर्मल जो है एक छोटे वे में अगर आप समझेंगे, अगर आप एक पर्टिकुलर वेब पेज लिख रहे हैं, एक आर्टिकल लिख रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, उस कंटेंट में वेब पेज पर, सर्विस पेज पर, प्रोडक्ट पेज पर, जो वेबसाइट पर आप डाल रहे हैं उसमें आपने एक पर्टिकुलर वर्ड कितनी बार ट्राई किया जिसकी खुद से अपनी सर्च एबिलिटीज बहुत है, उसको बोलते हैं कीवर्ड डेंसिटी. जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सर्च करेंगे तो सर्च वॉल्यूम उसका बहुत ज्यादा आता है. और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी ब्लॉग यहाँ पर लिख रहे हो और आप उसमें बार बार डिजिटल मार्केटिंग का जो एक पर्टिकुलर शब्द है, वर्ड है, उसको आप अगर आप यूज करते हो तो आपने उसको कितनी बार यूज किया, किस पैरे में आपने उसको यूज किया और कितनी बार उस सेंटेंस को यूज करके आपने लाइनें बनाई हैं या फिर अपना सेंटेंस कंप्लीट किया है या सेंटेंस स्टार्ट किया है, तो उस चीज को जब कैलकुलेट करते हैं तो वो एक कीवर्ड डेंसिटी होती है. क्योंकि जब भी गूगल क्रोलर आपकी वेबसाइट्स पर आएंगे उसको चेक करेंगे कि भाई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो वो क्या करेंगे उस नीज को, उस कैटेगरी के बेस पर, आपके उस पर्टिकुलर वेब पेज को, आर्टिकल को या ब्लॉग पर, उस नीज के बेस पर ये जज करेंगे कि ये जितना भी वेब पेज है या आर्टिकल है या एक प्रोडक्ट पेज है ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, चाहे वो आपका कोर्स हो, ई बुक हो, या डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग के रिलेटेड कोई हो, या कोई आपने ऐसा कुछ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई ऑडियो वगैरह बुक आपने यूज की है तो ठीक है. तो ये सारे आपको यहाँ पर फैक्टर्स चूज करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को करने के लिए, आपकी रैंक बढ़ाने के लिए. हाउएवर सर्च इंजन्स नाउ यूज मोर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स दैट टेक इनटू अकाउंट में अदर फैक्टर्स बियॉन्ड जस्ट कीवर्ड डेंसिटी सच एज इट नो लॉन्गर रिकमेंडेड टू फोकस सोलली ऑन कीवर्ड डेंसिटी एज अ टैक्टिक फॉर इम्प्रूविंग एसईओ. तो पहले ये सारी चीजें काम करती थी, अभी भी करती है, ऐसा नहीं है कि आप अब कीवर्ड डेंसिटी को आप यूज ना करें, अभी भी है. बट अभी जितने भी एल्गोरिदम यहाँ पर अपडेट होते रहते हैं
उसके हिसाब से इसको ब्लैक हैट भी बोल देते हैं। देखो आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर पेज पर आपने 15 से 20 बार आपने अपनी जो सर्विस है या अपना प्रोडक्ट है उसको बार बार आपने पिंच किया। जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का आपका एक वेब पेज है, आपकी वेबसाइट है, तो आपने पूरा डाला कि लाइक आर सर्विसेज, आर हेल्प, व्हाई टू चूज अस, ठीक है। उसमें आपने क्या किया, हर बार यहाँ पर ऑप्शन में डाला डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर, नीचे भी अगर आप चूज कर रहे हैं व्हाई टू चूज अस, वी आर द वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन द बैंगलोर, व्हाई जो भी आपकी कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड, देन अगेन आपने उसमें डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर। तो आपने बहुत ज्यादा बार डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर या इस तरह के शब्द जो है आपने यूज किए, वो कीवर्ड डेंसिटी के अंदर तो आए, बट आपने क्या किया, आपने एक ही पेज पर उसको 7-8 बार यहाँ पर डाल दिया। तो ये भी आपको नहीं करना है, आपको पूरा फ्रेज या एक छोटा सा कीवर्ड आपको बहुत यूजली, आपको बहुत लाइक स्ट्रेटेजिकली आपको यहाँ पर यूज करना है। अगर आप उसको बार बार हर कीवर्ड में, हर फ्रेज में, हर कीवर्ड को आप यूज करते रहोगे तो ये एक ब्लैक हैट के अंदर भी आ जाता है, क्योंकि आप गूगल को बोल रहे हो, उसके क्रोलर को बोल रहे हो भाई हम डिजिटल मार्केटिंंग एजेंसी है बैंगलोर के अंदर, और क्रोलर आपकी वेबसाइट को क्रोल करता है और आपको रैंक भी ला के देगा, बट उसको पिनलाइज भी कर सकता है, क्योंकि आपने ज्यादातर जो अपने कंटेंट है जो मोर फोकस्ड कंटेंट होने चाहिए उस पर आपने ज्यादा ध्यान ना देकर उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर ही ध्यान दिया है। तो इस तरह के एल्गोरिदम भी आते रहते हैं, अपडेट एल्गोरिदम आते रहते हैं जो आपको इस तरह की सब चीजों को रोकते हैं, पिनलाइज करते हैं अगर आप इसको बार बार यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको अभी तक ये समझ में आएगा कि कीवर्ड डेंसिटी होता क्या है। कीवर्ड डेंसिटी मैं आपको एक बार और नॉर्मली वे में बता देता हूं कि आप एक पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज या सेंटेंस जितनी बार भी आप अपने वेब पेज के लिए, आर्टिकल के लिए, ब्लॉग के लिए यूज करते हैं उसको उसकी कीवर्ड डेंसिटी बोलते हैं। और कीवर्ड डेंसिटी इस तरह से यूज की जाती है जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, नाइकी शूज, शूज नाइकी, नाइकी रेड शूज, इस तरह के कीवर्ड्स। एंड अगर बात करें तो कीवर्ड डेंसिटी फॉर्मूला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको देखो यहाँ पर नॉर्मल है, जितनी बार आपने यहाँ पर फ्रेज अपेयर्स किया आप उसको डिवाइड करते हैं जितने भी आपके कंटेंट के वर्ड हैं, देन उसको 100 से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देखेंगे तो नंबर ऑफ द टाइम्स कीवर्ड्स और फ्रेज अपेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ वर्ड्स इन कंटेंट इनटू 100। तो अगर आपने कोई भी लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड कोई भी आपने यहाँ पर कीवर्ड यूज किया है, तो जैसे देखो एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि 500 वर्ड आर्टिकल कंटेन द कीवर्ड्स एप्पल 10 टाइम्स, तो 500 का जो कीवर्ड है, पूरा आर्टिकल है आपका, उसमें आपने एप्पल 10 टाइम्स यहां पर यूज किया है, देन द कीवर्ड डेंसिटी इज 2%। तो आपने क्या किया, आपको 500 को आपने डिवाइड, 10 को आपने डिवाइड किया 500 से और इंटू किया उसको 100 से, तो यहां पर आपको 2% जाएगा। That's, this means that Apple appears in the article at a density 2% compared to the total number of words in the articles. However, it's worth noting that keyword density is no longer the most important factor in SEO and search engines how use sophisticated algorithms that consider a wide range of factors beyond just keyword frequencies. तो यहाँ पर अगेन मैंने यहाँ पर इसलिए डाला है ताकि आप लोगों को डायरेक्ट आप सिर्फ कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर ही ना जाएं, सिर्फ आप कंटेंट लिखते हुए कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर ही ना रुके, इसलिए मैंने दोबारा से यहाँ पर ये अपीयर किया है कि इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। हाँ, बट कीवर्ड डेंसिटी एक काफी अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है जब भी आप कंटेंट लिख रहे हैं। तो आई होप आपने हमारा जो पुराना एक लास्ट वीडियो हमारा आया था कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर, वो आपने जरूर देखा होगा, वो एक पर्टिकुलर कोर्स है और उसी प्लगइन्स उस ही प्लेलिस्ट के अंदर ये यहाँ पर कोर्स जाएगा। तो कीवर्ड डेंसिटी का फॉर्मूला आपको है नंबर ऑफ द टाइम कीवर्ड और फ्रेज अपीयर्स डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ द वर्ड इन कंटेंट्स इक्वल टू 100। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग इंपोर्टेंट से रिलेटेड आप कोई भी यहाँ पर ब्लॉग लिख रहे हैं जिसमें आपने डिजिटल मार्केटिंग को चूज किया है 15 टाइम्स आपने सपोज चूज कर लिया, बट बाकी आपको 15 टाइम्स चूज नहीं करना है, थोड़ा कम ही आप उसको यूज करें, देन आपके टोटल नंबर समझ लीजिए आपको 950 है और आपको, ठीक है, और आपको इसको डिवाइड करना है 100 से, तो 15 डिवाइड बाय 950 इंटू 100, तो जो आपका यहाँ पर कीवर्ड डेंसिटी आएगा वो 1.57 आ जाएगा डिजिटल मार्केटिंग का। तो ये आप जरूर यहाँ पर ध्यान करें कि कीवर्ड आप जब भी यहाँ पर अपना कीवर्ड डेंसिटी का यूज करना चाह रहे हैं कंटेंट के अंदर, लाइक फ्रिक्वेंटली आप उसको एक पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज करना चाह रहे हैं, तो
जितने भी आपके यहाँ पर वर्ड हैं उसको आप मिनिमम 2% या 3% के नीचे रखें, 2 से 5 या 6% तक रखेंगे तो ज्यादा इशू नहीं होगा, आपको हेल्प भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको 15% 20% ले जाते हैं तो आपकी वेबसाइट को पेनालाइज भी किया जा सकता है। बात करें व्हाट इज टीएफ एंड आईडीएफ, द टीएफ आईडीएफ स्टैंड फॉर टर्म्स फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, इट इज अ न्यूमेरिकल स्टैटिक्स दैट रिफ्लेक्ट्स द इंपोर्टेंस ऑफ टर्म्स इन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स और अक्रॉस अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स सच एज क्रॉप्स। The terms frequencies measure the number of times appears in a document. The more time a terms appears in a document, the higher terms its terms frequency will be. The inverse document frequency IDF measures how rare a team terms is across a collection of documents. The rarer a terms is, the higher its IDF value will be. By combining these two measures, TF and IDF gives more weighted to terms that more important in a document but also rare across or corpus. This helps to identify key terms that particularly relevant to the specific documents or topic. IDF, TF, IDF is commonly used in natural language processing, which means NLP, text mining and information retrieval application. It can be used to identify key topics in a large crops of the documents, classify documents into different category or a recommended related document on their content. So, jo IDF hai aur TDF hai, ye aapko help karta hai term frequency inverse documents ko aap yahan par settle rakhe, aap zyada yahan par zyada use na kare, jitne bhi aapke frequently word aa rahe hain jaise digital marketing ya bar bar isko choose kar rahe hain, jaise maine pehle bataya digital marketing agency in Bangalore, is tarah ki cheeze agar aap bar bar apne web page par dalte hain to ye ek aapki policy ko aap harm kar rahe hote hain, Google ki policy ko aap harm kar rahe hote hain, content policy ko aap harm kar rahe hain, chahe wo Google. So dekho TF aur IDF yahi karte hain ki aapki jo trim frequency hai wo kitni bar ek shabd ki hai aur wo particular jo bhi aapne sentence use kiya hai वो कितना यहाँ पर आपकी पर्टिकुलर पेज के लिए महत्वपूर्ण है या फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट या डिजिटल मार्केटिंग करियर या डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स में आप डिजिटल मार्केटिंग देखोगे तो तीनों के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग काफी ज्यादा आपको यहाँ पर हेल्प करेगा अगर आपको तीनों चीजों पर कंटेंट लिखना है तो, या फिर अगर आप तीनों चीजों की समरी बनाकर एक ही वेब पेज पर डाल रहे हैं तो कितनी बार डिजिटल मार्केटिंग आपका यहाँ पर आया, तो वो टीएफ यहाँ पर टर्म्स फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पर चेक करती है। अगर आप उस चीज को इनकी पॉलिसीज के खिलाफ जाते हैं, लाइक आपका जो भी आईडीएफ या टीएफ या कीवर्ड डेंसिटी आपकी 2 से 5% के ज्यादा होती है तो आपको यहाँ पर पेनालाइज भी किया जा सकता है, आपकी वेबसाइट को यहाँ पर डिलीट भी पूरे तरीके से किया जा सकता है। और एक पर्टिकुलर आप शब्द का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं जो कॉमनली आपकी लैंग्वेज के ऊपर रहती है, जब भी आप कोई टैक्स यहाँ पर करते हैं, माइनिंग कर रहे हैं, इंफॉर्मेशनल एप्लीकेशन या फिर डॉक्यूमेंट्स या फिर एक कंटेंट यहाँ पर डाल रहे हैं तो कितना टॉपिक में वो जो भी शब्द है या सेंटेंस है वो कितनी बार और कितना जरूरी है, आप अगर उसका यहाँ पर ध्यान रख के IDF और IDF की यहाँ पर पॉलिसीज का ध्यान रखकर अगर आप कंटेंट बनाएंगे तो आपको कोई भी इशू यहाँ पर नहीं होगा। And बात करें what is the right keyword density for SEO, so there is no one size fits all answers to what the keywords density is for SEO, as search engines have involved to use more complex algorithm that take into account many other factor beyond just keyword frequency. So देखो keyword frequency और keyword density ही important नहीं है keywords को यहाँ पर rank कराने के लिए, काफी सारे एल्गोरिदम्स यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे हमने भी बात किया IDF और TDF की, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ती हैं, इन सारी चीजों की भी आपको यहाँ पर कंटेंट लिखते हुए आपको काफी ज्यादा लाइक यू नो आपको बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है, तभी यहाँ पर कंटेंट के लिए एक अलग से पोस्ट होती है, कंटेंट के लिए एक अलग से आपको देखा होगा वैल्यूएबल काफी ज्यादा यहाँ पर डेजिग्नेशन मिल जाते हैं कंटेंट से रिलेटेड, क्योंकि कंटेंट काफी ज्यादा होता है। देखो सुना ही हमने कंटेंट इज अ किंग, तो आप कंटेंट कैसे लिख रहे हैं, किस तरह की आप यहाँ पर, क्योंकि कंटेंट ही आपकी हेल्प करता है आपकी सर्विस को, प्रोडक्ट को, कॉल टू एक्शन को पूरा सही से आपके जो भी कस्टमर्स हैं उनको तक पहुंचाने के लिए। In the past, it was believed that a higher keyword density could help a page rank higher in a search engine results. However, this led to keyword stuffing, where website owner would unnaturally cram keywords in their
कंटेंट टू मैनिपुलेट सर्च इंजन मार्केटिंग. सो पहले क्या होता था कि कीवर्ड डेंसिटी का कोई ज्यादा इतना एल्गोरिदम अपडेट था नहीं, कितने भी हिसाब से अपनी मर्जी से लोग कीवर्ड स्टफिंग करते थे. कीवर्ड स्टफिंग मतलब उसी कीवर्ड को बार बार ऐड करना, उसी कीवर्ड को घुमा फिरा कर डालना अपने बैक पेज पर, ताकि उनको मैनिपुलेट करके कंटेंट के अंदर आपकी सर्च रैंकिंग मिल सके. जैसे डिजिटल मार्केटिंग को आपने डिजिटल मार्केटिंग ना लिखकर डिजिटल प्रमोशंस लिख दिया, या डिजिटल कुछ भी आपने ऐसा सब वर्ड यूज किया जिसका मतलब आप प्रमोशन से ही रिलेटेड है, या डिजिटल एजेंसीज, स्ट्रेटेजीज, कंपनीज, इस तरह के अगर आप देखेंगे तो वेरिएंट्स भी आप बोल सकते हैं. तो वो बार बार यूज कर करके अननेचुरली कीवर्ड्स में स्टफिंग कर करके यहाँ पर सर्च इंजन्स पे रैंकिंग आ जाती थी. बट अभी ऐसा नहीं होता है. सर्च इंजन्स हैव बिकम मच मोर सोफिस्टिकेटेड एंड हाउ एंड नाउ पिनलाइज वेबसाइट दैट एंगेज इन कीवर्ड स्टफिंग और अदर फॉर्म्स ऑफ स्पैमी प्रैक्टिस. एज अ बेस्ट प्रैक्टिस इट्स जनरली रिकमेंड to focus on creating high quality relevant content that naturally incorporates your targets keywords in a way that makes sense for readers. So देखो पहले क्या होता था कि आप जितने भी keyword stuffing करना चाहे कर सकते थे, but अभी जब से मैंने जैसे पहले भी कहा काफी algorithm updates आते रहते हैं, काफी सारी चीजें यहाँ पर update होती रहती है, Google update करता रहता है, जिसमें आपने अभी देखा है कि अभी जो focus है अगर आपको अपनी website पर rank करनी है तो आपको high quality की क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे, हाई क्वालिटी आपको यहाँ पर कंटेंट लिखना पड़ेगा, रिलेवेंट कंटेंट यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, अपने नीस के लिए रिलेटेड जो चीजें आप लिखना चाह रहे हैं वही आपको करना पड़ेगा, तभी आपकी जो कीवर्ड्स हैं वो आपको अच्छे से ऑप्टिमाइज करने पड़ेंगे बैकएंड में, देन यू विल गेट अ गुड नंबर ऑफ रैंकिंग और गुड नंबर ऑफ ट्रैफिक दैट मेक सेंस फॉर द रीडर्स. जो रीडर्स को समझ में भी आए, जितना समझ में आएगा देखो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, देन आपका ट्रैफिक बढ़ेगा, नेचुरल ट्रैफिक बढ़ेगा. तो मतलब यह है कि आपको गूगल और यहाँ पर रिलेवेंट सोचेगा कि हाँ आपका ये पर्टिकुलर पेज और रिलेवेंट है, तो आपको और अच्छे से यहाँ पर रैंकिंग मिल जाएगी. देर इज नो मैजिक कीवर्ड डेंसिटी परसेंटेज टू एम फॉर एज इट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंटेंट, द टारगेट ऑडियंस एंड द अदर फैक्टर. इंस्टेंट फोकस ऑन क्रिएटिंग कंटेंट दैट प्रोवाइड्स वैल्यू टू योर रीडर्स एंड इनकॉर्पोरेट्स रिलेवेंट कीवर्ड्स इन नेचुरल वे. तो यहाँ पर देखो कोई मैजिक कीवर्ड डेंसिटी परसेंटेज भी नहीं है. 2-6% मैंने जो आपके लिए बोली है वो एक बेस्ट प्रैक्टिस है, बट ऐसा नहीं है कि वो भी एक तरह का आपका यहाँ पर सिस्टमेटिकली एक एम है कि आपको 2-5% यहाँ पर रखना ही रखना है. बट अगर आप जितना भी कीवर्ड भरता रहेगा, आपको लगता है कि आपको इतने यहाँ पर कीवर्ड की स्टफिंग करनी है, पर्टिकुलर सेंटेंस की आपको स्टफिंग करनी है, तो वो आप अपने हिसाब से भी करें, बट जरूर ध्यान रखें, गाइडलाइंस भी आप ध्यान रखें कि किस तरह की गाइडलाइंस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं. जितना हो सके कंज्यूमर बेस्ड कंटेंट पर फोकस करें, कंज्यूमर नॉलेज जो भी है यहाँ पर फोकस करें, कंज्यूमर समझ सके आपके, लाइक ऑडियंस समझ सके आपके कंटेंट के बारे में, आपका जो CTA है कंटेंट का वो चीजें उनको समझ में आए, उस बेस पर आप यहाँ पर कंटेंट लिखे जो रीडर्स को प्यारा लगे, जो रीडर्स को समझ में आए, आपकी नीश से रिलेटेड हो, आपके प्रोडक्ट से या सर्विस से रिलेटेड हो, या आप जिस चीज के बारे में लिखना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड हो. तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी IPL चल रहा है, करेक्ट, तो आप IPL से ही रिलेटेड चीजें डालेंगे, है ना. कोई प्लेयर अगर छूट गया है, किसी प्लेयर का सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी भी टीम में, अगर आप उसको डाल दे XYZ प्लेयर गेटिंग नो सोल्ड, इस तरह की चीजें अगर आप डाल दें, या महेंद्र सिंह धोनी अगेन प्लेइंग इन CSK, और आजकल जो चल रहा है महेंद्र सिंह धोनी फेयरवेल लास्ट IPL, तो इस तरह की चीजें अगर आप डालेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप धोनी से रिलेटेड ही चीजें डालेंगे, या उनके लास्ट मैच की जो भी परफॉर्मेंस रही है उनसे चीजें रिलेटेड डालेंगे, या फिर आप डालेंगे कि धोनी अगले साल किस तरह का रहेंगे, क्या उस टीम में करेंगे, वो भी इंफॉर्मेशन सही है. बट अगर आप उसमें T20 वर्ल्ड कप लेके आ जाएं, या उसमें अगर नॉर्मल कोई स्टेट गेम से रिलेटेड आप चीजें डालने लगे जो क्रिकेट से रिलीवेंट है बट IPL या धोनी से रिलीवेंट नहीं है, या CSK से रिलीवेंट वो टॉपिक बनता ही नहीं है, तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर जरूर डालनी पड़ेगी. तो ये सारी चीज अगर आप यूज करते हैं, ये सारी स्ट्रेटेजी अगर आप यूज करते हैं, तो आपका कंटेंट जरूर ही यहाँ पर रैंक लाएगा. देन बात कर लेते हैं व्हाट इज कीवर्ड स्टफिंग की. पहले आपने काफी यहाँ पर इस स्लाइड में आपने बहुत सुना होगा, लाइक कीवर्ड स्टफिंग एंड ऑल द वेबसाइट्स वगैरह के लिए. तो देखो कीवर्ड स्टफिंग क्या है, कीवर्ड स्टफिंग इज अ
spammy search engine SEO tactics that involve excessively repeating a particular keyword or phrase in a web page, blog post, or other digital content with aim of manipulating search engine marketing or ranking. So देखो, जो keyword stuffing है वो spammy एक tactics है या strategy है. Excessively अगर आप excess रिपीटिंग वर्ड डालें बार बार अपने वेब पेज पर, ब्लॉग पर, या कोई भी डिजिटल कंटेंट पर, बार बार आप उसी शब्द का यूज कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कॉरपोरेट, इस तरह की चीज अगर आप यूज करते हैं बार बार एक पर्टिकुलर वेब पेज पर या एक पर्टिकुलर ब्लॉगिंग पर, ब्लॉग पोस्ट पर, डिजिटल कंटेंट पर, तो वो एक स्टफिंग के अंदर आता है. आपको ज्यादा यहाँ पर कीवर्ड नहीं इन्वॉल्व करने हैं अपने भी किसी भी पेज पर, क्या वो कंटेंट हो या कुछ भी हो. इन द पास्ट सर्च इंजन यूज्ड टू रियली हैवली ऑन कीवर्ड डेंसिटी टू डिटरमाइन द रिलेवेंस ऑफ पेज फॉर ए पर्टिकुलर सर्च क्वेरी. दिस लेड सम वेबसाइट ओनर टू एंगेज इन कीवर्ड स्टफिंग बाय स्क्रैमिंग देयर कंटेंट विद एज मेनी इंस्टेंस ऑफ देयर टारगेट कीवर्ड्स एज पॉसिबल often to the detriment of the user experience. तो पहले लोग क्या करते थे, कीवर्ड डेंसिटी के नाम पर बहुत सारे यहाँ पर एक ही पर्टिकुलर कीवर्ड्स को बार बार अपनी क्वेरीज वगैरह में यहाँ पर पेज पर डालते थे, जो रिलीवेंस हो ना हो वो सब चीजें भी यहाँ पर रहता था. तो कुछ वेबसाइट ओनर इंगेज इन वर्ड स्टफिंग बाय क्रैमिंग देयर कंटेंट विद एज मेनी इंटेंस ऑफ देयर टारगेट कीवर्ड एज पॉसिबल. तो जितने भी टारगेट कीवर्ड्स होते थे उनको बहुत बार अपने पर्टिकुलर वेब पेज पर या कंटेंट पर वो स्टफिंग करते थे, बार बार उस कंटेंट में यहाँ पर और चीजें डालते रहते थे, जैसे कि नाइकी शूज, नाइकी रेड शूज, इस तरह की चीजें जो अलग अलग कीवर्ड्स की जो काफी ज्यादा रिलीवेंसी होती है, जो ज्यादा सर्च होते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो मैन्युपुलेट करते थे सर्च इंजन रैंकिंग को एक चीजें बार बार यहाँ पर ऐड करने के लिए. देखो तो जैसे आप नाइकी शूज से रिलेटेड कुछ कंटेंट लिख रहे हो, अगर आप उसमें नाइकी शब्द ही बार बार यूज करोगे, नाइकी वर्ड ही अगर आप बार बार यूज करोगे, तो नाइकी का अपना खुद का एक बहुत बड़ा सर्च रिलेवेंट, अगर आप सिर्फ नाइकी ही डाल रहे हो तो आपने एक सपोज करो आपने 1000 words के अंदर आपने मिनिमम 50 times नाइकी ही आपने यूज किया है वर्ड, चाहे वो नाइकी रेड शूज हो, नाइकी के स्नीकर्स, नाइकी रनिंग शूज, इस तरह से नाइकी शूज अंडर 5000, नाइकी इज द बेस्ट शूज, नाइकी हैविंग अ वेरी सॉफ्ट सोल, नाइकी हैविंग अ डिफरेंट नंबर्स ऑफ कलर्स, टू मेनी प्लेयर्स यूजिंग नाइकी. तो अगर आप इस तरह की चीजें यूज कर रहे हो तो ये कीवर्ड स्टफिंग के अंदर आता है. तो आप इसमें देखो, अब आप सोचो कि सर अगर हम लोग नहीं लिखेंगे नाइकी शूज अंडर रेड कलर तो पता कैसे चलेगा, राइट? तो आपने लिखा हुआ है नाइकी, व्हाई टू चूज नाइकी शूज, तो आप लिख सकते हो ना दिस शूज कमिंग इन द रेड, येलो एंड ऑल दिस थिंग्स, दिस पर्टिकुलर शूज, और टू मैनी क्रिकेटर्स लव दिस कंपनी, टू मैनी फुटबॉलर्स लव दिस कंपनी, और टू मैनी फुटबॉलर्स यूज दिस काइंड ऑफ अ शूज लाइक नाइकी रनिंग शूज, टू मैनी रनर्स using this particular shoes, this man, too many you are can say influencer using this kind of thing. तो आप ये सारी चीजें भी यूज कर सकते हैं. बाबा नाइकी लिखना, बाबा पर्टिकुलर एक सर्च वॉल्यूम जिसका मालूम है आपको बहुत ज्यादा है, आप मैन्युपुलेट कर सकते हो सर्च इंजन रैंकिंग पर, उसको बाबा स्टफिंग करना इज नॉट गुड, इज नॉट रिलेवेंट. However, search engines have since become more sophisticated and now penalize websites that engage in keyword stuffing or other form of spammy tactics. Keyword stuffing is considered a black hat SEO tactic and can result in website being penalized or even banned from search engine wizards. So, देखो पहले जो भी होता था होता था, अभी काफी sophisticated हो गया है यहाँ पर और आपको यहाँ पर penalize भी हो सकती है आपकी website, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर इंगेज हैं कीवर्ड स्टफिंग से रिलेटेड, आप स्पैमी टैक्टिक्स यूज कर सकते हैं. आप चाहे उसको देखो, कीवर्ड ही बार बार स्टफिंग स्पैमी टैक्टिक्स नहीं होता है, सेंटेंस भी यूज करना आपको यहाँ पर काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, और ये एक ब्लैक हैट एसईओ टैक्टिक्स के अंदर भी कंसिडर होता है. तो वेबसाइट आपकी यहाँ पर बैन भी हो सकती है, वेबसाइट यहाँ पर पेनलाइज भी हो सकती है,
हो सकता है उसको यहाँ पर सर्च पर रैंकिंग ही ना मिले, आप सोच रहे हैं भाई मैं कीवर्ड स्टफिंग कर दूंगा मेरी रैंक बढ़ जाएगी, ऐसा भी हो सकता है कि आपको रैंक ही ना हो, गूगल बिल्कुल नकार दे भाई, इसमें तो बहुत सारा स्पैम ही है और आपके जितने और रिलीवेंट पेजेस है जिस पर आपने कीवर्ड स्टफिंग किया भी नहीं है वो भी चीजें यहाँ पर ब्लॉक हो जाए या वो भी वो पर्टिकुलर पेजेस भी आपके लो रैंकिंग में चले जाए, क्योंकि अगर आपका एक बार यहाँ पर जो भी डोमेन है वो नजरों में आ गया गूगल के क्रोलर्स के गूगल्स के साइट मैप्स वगैरह आप लोग यहाँ पर डाल के रखते ही हैं, वेबसाइट में आपका इंटरनल लिंक हो ही रहे हैं, तो आपके बाकी सारे पेज भी यहाँ पर जिन्होंने अच्छे से रैंक लिया हुआ है, आपने अच्छे से यहाँ पर कीवर्ड लाइक रिलीवेंट कंटेंट लिखा हुआ है, यूजर फ्रेंडली कंटेंट लिखा हुआ है, नीश से रिलेटेड कंटेंट लिखा हुआ है, तब भी आपकी वेबसाइट के अदर पेजेस भी इसमें चले जाएंगे भाई। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कीवर्ड स्टफिंग आपको ज्यादा नहीं करना है। To avoid keyword stuffing, it's important to focus on creating high-quality, relevant content that naturally incorporate to your target keywords in the way that sends for readers. Instead of focusing on keywords density, aim to create content that provides value to your audience and that is optimized for both search engines and human readers. तो आपको देखो avoid करना है keyword stuffing और आपको more creating high-quality keywords पे ज़्यादा यहाँ पर focus करना है. रिलीवेंट कीवर्ड्स रिलीवेंट्स जो आपके कंटेंट है उस पर यहाँ पर फोकस करना है, हाई क्वालिटी कंटेंट पर आपको फोकस करना है, आपको अपने टारगेट कीवर्ड्स आप कर सकते हैं लाइक आपने सेंटेंस को चूज किया व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट, देन आपको जो भी डिजिटल मार्केटिंग जो इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड आपको कंटेंट लिखना है ना, तो उसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग जो इम्पोर्टेंट है या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी वर्ड है आपको वो कम यूज करने और ज्यादा हाई क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर लिखना है जो एक सेंस बने रीडर्स के लिए, रीडर्स पढ़ के कुछ उससे सीख सके और अच्छे से आप उसका कीवर्ड यहाँ पर ऑप्टिमाइज करें, एसईओ करें और क्रिएट करें, एक एम बनाए कि वैल्यूएबल ऑडियंस ही आपकी वहां पर आए और उसको ऑप्टिमाइज करो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी या सर्च इंजन एल्गोरिदम और उसके क्रोलर जब भी आपको वहां पर आके क्रोल करें आपकी वेबसाइट को और सर्च इंजन एल्गोरिदम्स का भी वो काफी ज्यादा सारी पॉलिसीज आपने सही से फॉलो की हो, जो दोनों चीजें यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप यहाँ पर सर्च इंजन को भी बोलोगे कि भाई देखो मेरी वेबसाइट अब अच्छी है, मैं कोई कीवर्ड डेंसिटी यूज नहीं कर रहा हूँ ज्यादा, ना कीवर्ड स्टफिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ, हाई क्वालिटी कंटेंट पे मैंने फोकस किया है, रिलीवेंट कंटेंट पे मैंने फोकस किया है, यूजर फ्रेंडली फोकस किया है मैंने कंटेंट पर, रीडर्स के लिए काफी समझ में आएगा, तो क्या होगा आपकी रीडर्स और क्रोलर को दोनों को अच्छा लगेगा और आपकी रैंकिंग भी बढ़ेगी और आपका वेबसाइट ट्रैफिक भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। Then now we have how many keywords should I use in my content? So again there is no set of rule how many keywords you should use in your content. As a optimal number can vary depending on number of factors such as the length of the content, the type of content and the purpose of the content. तो देखो आपका कोई ऐसा set of rule नहीं है कि कितने सारे कीवर्ड्स आप स्टफिंग कर सकते हैं या कितने सारे कीवर्ड्स आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने एक पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर, ये काफी सारे फैक्टर्स पे यहाँ पर डिवाइड रहता है, जैसे आपका कितना बड़ा कंटेंट है, कितना लेंथी कंटेंट है, कंटेंट का टाइप क्या है, पर्पस क्या है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर चेक करनी पड़ती है कि किस तरह के कंटेंट में कितना परसेंट, अगर आपका जो मैंने आपको पहले अर्लियर में आपको बोलता रहा 2-5% अगर आप कंटेंट स्टफिंग करते हैं तो ठीक है तो चल जाता है थोड़ा बहुत, एंड देन उसके ऊपर भी आपको टाइप ऑफ कंटेंट यहाँ पर रखना है, कोई यहाँ पर WHO से रिलेटेड तो नहीं है या कोविड वगैरह जैसे आजकल चल रहा है उससे चीजें तो नहीं है रिलेटेड, कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला कार से रिलेटेड तो नहीं है या फिर कोई फॉर्मूला ही तो नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी पड़ती है कि किस तरह का कंटेंट है, जैसे हॉस्पिटैलिटीज हो गया या कोई एक पर्टिकुलर बाइक रेसिंग वगैरह से रिलेटेड हो गया या कोई आप किसी तरह की टीचिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो गया, और आपका कंटेंट का पर्पस क्या है, पर्पस इन द सेंस कि आप यहाँ पर ओनली एजुकेशनल है, किसी तरह का CTA नहीं है, जैसे कॉल टू एक्शन लाइक कॉल एक्ट, जैसे लर्न मोर, कॉन्टेक्ट अस या किसी तरह का यहाँ पर आपको नॉर्मली सब्सक्राइब नाउ इस तरह का ऑप्शन तो नहीं है, तो आपको यहाँ पर कोई रिलीवेंट आपको एक डिपेंडिंग नंबर नहीं मिलेगा, ये सब बेस करता है लेंथ पर, कंटेंट की टाइप्स ऑफ कंटेंट पर और पर्पस क्या है आपका। एज अ जनरल रूल इट इज बेस्ट टू फोकस ऑन क्रिएटिंग हाई क्वालिटी रिलीवेंट कंटेंट दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल ऑडियंस rather than trying to cram as many as keyword as possible. In fact, using too many keywords in your content can actually be a counterproductive as it can come across as a spammy and may hurt your search engine ranking. तो आपको ऐसा पर्टिकुलर किसी भी तरह का एक आपको वैल्यूएबल फोकस करना है, आपको क्रिएटिंग हाई क्वालिटी जनरेट आप कंटेंट यहाँ पर बनाए
कंटेंट कंटेंट बनाए आप यहाँ पर, रिलेवेंट कंटेंट बनाए जो एक वैल्यू करे आपकी ऑडियंस को, रेदर देन आप क्रैम कर रहे हैं एज मैनी एज कीवर्ड्स एज पॉसिबल. ठीक है, इन फैक्ट यूजिंग टू मैनी कीवर्ड्स इन योर कंटेंट कैन एक्चुअली बी ए काउंटर प्रोडक्टिव एज इट कैन कम अक्रॉस एज स्पैमी एंड मे हर्ट योर सर्च इंजन रैंकिंग. तो आपका काउंटर प्रोडक्टिव का भी यहाँ पर इशू हो सकता है अगर आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐड करते हैं तो, स्पैमी वेबसाइट्स भी हो जाएगी तो जो आपकी हर आपकी जो सर्च इंजन रैंकिंग है वो आपको यहाँ पर हेल्प करेगी डाउन जाने में, ऊपर आने में नहीं. जैसे मैंने पहले बात की कि आपने सारे कीवर्ड्स जितने भी पेजेस है अच्छे से यहाँ पर बनाए, बट एक में आपने स्टफिंग ज्यादा कर दिया, एक में आपकी जितने भी एल्गोरिदम्स हैं उसकी जो भी पॉलिसीज है उसको हटकर आपने यहाँ पर काम किया और गूगल की नजरों में पर्टिकुलर डोमेन आ गया, तो भाई पुराने पेज भी आपके चले जाएंगे. ठीक है, इंस्टेंट एम टू योर टारगेट कीवर्ड्स इन नेचुरल ऑर्गेनिक वे थ्रू आउट योर कंटेंट. दिस इज मीन इनकॉर्पोरेटिंग देम इनटू योर हेडलाइंस सब हेडलिंग्स हेडलाइंस एंड बॉडी टैग्स इन अ वे दैट मेक्स सेंस फॉर रीडर्स. तो कीवर्ड्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं, कीवर्ड्स को आप अलग अलग कंटेंट में ना डालकर इसको नेचुरल वे में और ऑर्गेनिक वे के थ्रू लेके जाए. आप जितने भी आपके मेन कीवर्ड्स या हेडलाइंस है उनको आप अपनी हेडलाइन बना दो या सब हेडलाइन बना दो और बॉडी के टैग्स में आप डालो जो सेंसेबल हो. जैसे देखो व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट, तो इसके अंदर क्या सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कैरियर जो खुद से भी अपना एक अच्छा सिस्टम है, तो आप इसकी एक हेडलाइन बना सकते हो लाइक व्हाई टू चूज डिजिटल मार्केटिंग गुड फॉर कैरियर, डिजिटल मार्केटिंग इज गुड फॉर कैरियर. देन आप नॉर्मली इसको स्टफ कर सकते हो राइट, क्योंकि एक हेडलाइन बन गया, गूगल को भी ये रिलीवेंट लगेगा. और आप इसका कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन भी कर दो डिजिटल मार्केटिंग गुड फॉर कैरियर, तो आपको यहाँ पर रैंकिंग भी मिल जाएगी, रीडर्स के लिए भी अच्छा क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है भाई डिजिटल मार्केटिंग. क्यों चाहिए, आपका कैरियर बन सकता है, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, तो ये रिलेवेंट हो गया ना, तो आपको यहाँ पर आपको रैंकिंग भी मिल जाएगी और गूगल आपको पेनालाइज भी नहीं करेगा. Then don't try to force in too many keywords or use them in irrelevant context as this can detract from the quality and readability of your content. So too many times forcefully कहीं पे शब्द बन भी नहीं रहे तब भी आपने डाल दिया, तो ऐसा ना करो. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपको क्वालिटी जो कंटेंट है उसे बनाने से भी आपको यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे आप, करेक्ट, क्योंकि आप फिर फोकस करोगे सिर्फ ट्रैफिक लाने के लिए, ना कि रीडर्स को अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ना कि आपके प्रोडक्ट के अच्छे बारे में बताने के लिए. करेक्ट, अल्टीमेटली द फोकस शुड बी ऑन क्रिएटिंग कंटेंट दैट इज एंगेजिंग इन्फॉर्मेटिव एंड रिलेवेंट टू योर टारगेट ऑडियंस व्हाइल इज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटिंग रिलेवेंट कीवर्ड इन वे दैट हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ योर कंटेंट. तो देखो भाई शॉर्ट टर्म्स यही है कि आपको जो कंटेंट बनाना है वो एंगेजिंग कंटेंट बनाना है, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाना है, रिलेवेंट बनाना है आपकी टारगेट से रिलेटेड और नीड से रिलेटेड, जो काफी आपको यहाँ पर रिलेवेंट कीवर्ड जब आप ऑप्टिमाइज करें तो सर्च इंजन उसको समझे और आपको यहाँ पर रैंक दे. तो यहाँ पर यही है कि आपका कोई कीवर्ड ऐसा सेट रूल नहीं है कि आप कितनी बार स्टफिंग कर सकते हैं. आप यहाँ पर पर्टिकुलरली हाई क्रिएटिंग क्वालिटी कीवर्ड बनाओ, रिलेवेंट कीवर्ड बनाओ, टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखकर कीवर्ड बनाओ. आप कीवर्ड स्टफ करना चाहते हो तो उसको एज अ हेडलाइन और सब हेडलाइंस करके आप बनाओ, जिसको आप बाद में एक्सप्लेन करो, क्योंकि हेडलाइन और सब हेडलाइंस आपकी एक्सप्लेनरी होती है. आपने कोई भी हेडलाइन यूज किया तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे राइट, तो उस तरह से आप उसको यूज करो. बॉडी को ज्यादा टेक्स्ट में कन्वर्ट यूज ना करो तो अच्छा रहेगा, कीवर्ड को बॉडी में ज्यादा स्टफिंग ना करो. तो ये सारी चीजें अगर आप यूज करते हैं, ये सारी स्ट्रेटेजी अगर आप यूज करते हैं तो आपको पर्टिकुलरली यहाँ पर एक रिलेवेंट, आपको एक सर्च पे जो आपका मन है लाइक यू नो टू गेटिंग अ रैंक ऑन गूगल सर्च, आपको पर्टिकुलरली मिल जाएगी. एंड गाइस बात कर लेते हैं व्हाट इज कीवर्ड वेरिएंट्स. कीवर्ड वेरिएंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं एज अ स्टफिंग, जिसको आपको पेनलाइज भी नहीं होगा और आप आराम से रैंकिंग कर सकते हैं. कीवर्ड वेरिएंट्स आर आल्सो नोन एज कीवर्ड्स वेरिएशंस आर वेरिएशन ऑफ टारगेट कीवर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन डिजिटल कंटेंट टू हेल्प इंप्रूव सर्च इंजन रैंकिंग एंड रीच अ ब्रॉडर ऑडियंस. कीवर्ड वेरिएंट्स कैन इंक्लूड सिनोनिम्स रिलेटेड टर्म्स एंड अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स ऑफ द टारगेट कीवर्ड्स. तो देखो कीवर्ड वेरिएंट या वेरिएंट्स आपके क्या रहते हैं, टारगेट कीवर्ड्स के ही सिनोनिम्स होते हैं, उनके जैसे ही एक या तो आप स्पेलिंग्स को यहाँ पर नीचे अलग कर सकते हैं, अदरवाइज रिलेटेड टर्म्स यहाँ पर
रहते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, डिजिटल मार्केटिंग फर्म। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं अपने कंटेंट में, तो उससे यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं होगा, कीवर्ड डेंसिटी का कोई इशू नहीं आएगा, और ना ही आपको कोई इशू आएगा आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। और ये एक तरह की पॉलिसी हार्म भी नहीं कर सकता है। ये जो मेथड है, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये कीवर्ड वेरिएंट्स के अंदर आती है, जब आप कोई अलग तरह का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। मतलब उसका यही होता है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग हेल्प सॉल्यूशंस, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मतलब यही है कि आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, बट आपका टर्म सिनोनिम्स टर्म और ये इससे रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पर बदल जाती है। Using keyword variants in your content can help your rank for a wider range of search queries, as different people may use different terms to search for the same things. For example, if your target keyword is digital marketing, some relevant keywords variant including online marketing, internet marketing, or web marketing. तो जब भी आप यहाँ पर कोई वेरिएंट आप चूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनोनिम्स आप यहाँ पर जब चूज करते हैं, रिलेवेंट टर्म्स जब आप यहाँ पर चूज करते हैं, तो आपको रैंकिंग होने में भी हेल्प मिलती है और एक वाइड रेंजर सर्च क्वेरीज, मतलब आपकी जो रिलेटेड चीजें हैं, जो लोग सर्च कर रहे हैं आपकी ही एजेंसी से रिलेटेड, आपकी ही सर्विस से रिलेटेड, तो उन चीजों को भी आपको यहाँ पर टारगेट या बोले तो कीवर्ड यहाँ पर ऑप्टिमाइज हो जाता है। जैसे अलग अलग लोग अलग अलग चीजें सर्च करते हैं एक ही क्वेरी के लिए, जैसे मैंने अपना एग्जांपल भी दिया है कि क्या करते हैं, एक टारगेट कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपके क्या हो जाएंगे, जैसे कोई लोग सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन मार्केटिंग, कोई सर्च कर रहा है इंटरनेट मार्केटिंग, कोई सर्च कर रहा है वेब मार्केटिंग, तो मतलब तो यही है ना, आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें चाहिए, करेक्ट। जैसे आप देखो यहाँ पर टाटा की कोई भी गाड़ी का आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे टाटा टॉप गाड़ीज और या फिर टाटा टॉप कार, टाटा कार्स इन 10 लाख, टाटा चीपेस्ट कार, टाटा ईवी कार और ईवी कार इन टाटा, तो मतलब वही है कि वो टाटा की कार देख रहे हैं टॉप 10, 10 लाख से कम में यहाँ पर देख रहे हैं, ईवी से रिलेटेड चीजें देख रहे हैं, तो वो चीजें यही आपको जाती है कि रिलीवेंट्स जो टर्म्स है, रिलीवेंट जो कीवर्ड्स है, सिनोनिम्स बेस्ड जो कीवर्ड्स है, वो चीजें यहाँ पर मिल जाती है। जैसे टाटा कार या टाटा कार्स, तो आपने सिर्फ एक एस लगाया है, मतलब यहीं पर ये सेम ही है कि टाटा से रिलेटेड कारें यहाँ पर सर्च की जा रही हैं। However, it is important to use keyword variants in natural, organic way that makes sense for readers. Don't try to force is too many variants or use them in relevant context, as this can come across as spammy and may hurt your search engine ranking. Again, आपको ये जरूर याद रखना है कि keyword variants is natural. बट अगेन आपको वही कीवर्ड्स के वेरिएंट्स टर्म्स यूज करने हैं विच इज रिलीवेंट टू योर कंटेंट, विच इज रिलीवेंट एंड विच इज रियली मेक सेंस फॉर योर रीडर्स। ऐसा ना हो कि आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड, आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के बारे में लिख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग है वहां पे, एजेंसी से रिलेटेड चीजें लिख रहे हैं, जॉब से रिलेटेड चीजें लिख रहे हैं, तो ठीक है, ये सब चीजें आपको जरूर ध्यान देनी होगी। अगेन, अगर आप टू मेनी वेरिएंट आप फोर्सफुली ऐड करना चाह रहे हो कहीं भी, एस लगाकर, ई एस लगाकर, आई एन जी लगाकर, तो वो अगेन एक इनरिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर आपका हो जाता है, फिर से आपको यहाँ पर स्पैमी वेबसाइट या एक स्पैमी कंटेंट माना जाएगा। इंटेस्ट फोकस ऑन क्रिएटिंग हाई क्वालिटी कंटेंट दैट नेचुरली इनकॉर्पोरेट्स रिलेवेंट कीवर्ड वेरिएंट्स इन वे हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ योर कंटेंट, दिस हेल्प इंप्रूव द विजिबिलिटी ऑफ योर कंटेंट इन सर्च इंजन रिजल्ट व्हाइल आल्सो प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द योर टारगेट ऑडियंस। तो अगेन जो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, आपको हाई क्वालिटी और रिलेवेंट कीवर्ड्स यहाँ पर बनाकर रखने हैं। देन बात कर लेते हैं क्लस्टरिंग की, व्हाट इज कीवर्ड क्लस्टरिंग। कीवर्ड क्लस्टरिंग इज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग रिलेटेड keywords together into cluster or a group. The goal of keywords clustering is help search engines understand the relevance and context of a group of a keyword which can improve the ranking of your website for those keyword. तो क्लस्टरिंग आपको क्या यहाँ पर रहेगा, एक टेक्निक होती है, इन्वॉल्व रहती है, जो कीवर्ड्स के ग्रुप आपने बनाया है जिसमें आप भी कंटेंट लिख रहे हैं, तो वो हेल्प करता है सर्च इंजन्स को आपके रिलीवेंसी को बताने के लिए। गूगल का जब भी क्रोलर आपकी वेबसाइट को क्रोल करेगा, वो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड है, आपको हेल्प करेगा रैंकिंग के लिए और आपको यहाँ पर हेल्प करेगा आपकी वेबसाइट पर मोर रिलीवेंट और
ग्रुप रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उनको यहाँ पर पुश किया जाए गूगल सर्च इंजन पर या फिर SERP पर. टू क्रिएट ए कीवर्ड्स क्लस्टर यू फर्स्ट आइडेंटिफाई अ प्राइमरी और टारगेट कीवर्ड दैट इज इम्पोर्ट मोस्ट रिलीवेंट टू योर कंटेंट और पेज. देन यू आइडेंटिफाई रिलेटेड कीवर्ड्स एंड फ्रेज दैट सिमेंटिकली रिलेटेड टू योर प्राइमरी कीवर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्राइमरी कीवर्ड इज डिजिटल मार्केटिंग, रिलेटेड कीवर्ड माइट इंक्लूड सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग. तो एक कीवर्ड का क्लस्टर आप यहाँ पर बना लो, आइडेंटिफाई करो प्राइमरी कीवर्ड्स को, आपके जो भी प्राइमरी कीवर्ड्स हैं आपने उसको पहले आइडेंटिफाई कर लिया, देन जो बहुत मोस्ट रिलीवेंट है आपके कंटेंट के रिलेटेड, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है और फ्रेज जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड हो, जो आपको आपकी वेबसाइट पर अगर आप उनको एज अ कीवर्ड यूज कर रहे हो डेंसिटी और उसको आप स्टफिंग करना चाहते हैं तो वो आपकी सर्विस से ही रिलेटेड हो और प्राइमरी कीवर्ड से रिलेवेंट हो और आपकी सर्विस से भी रिलेवेंट हो. जैसे एग्जांपल दिया डिजिटल मार्केटिंग आपका मेन कीवर्ड हुआ, उसके अंदर आप क्या क्या दे रहे हो, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग दे रहे हो, ईमेल मार्केटिंग दे रहे हो, कंटेंट मार्केटिंग दे रहे हो, तो इस तरह के कीवर्ड्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ताकि आपको काफी यहाँ पर हेल्प हो जाए आपकी वेबसाइट को ज्यादा यहाँ पर रैंकिंग करने के लिए. Once you have identified the relevant keywords, your group them together into a cluster and use them strategically in your content. This can help search engine understand the overall theme or topic of your content and can also help you rank for broader range for related keywords. So, जब आप एक बार identify कर लेंगे relevant keywords को, उनको क्लस्टर करो एक साथ, उनको अपडेट करो कंटेंट में, हो सकता है तो बैकएंड में भी आप उसको ऑप्टिमाइज करो, वो आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन को अंडरस्टैंड यानी कि सर्च इंजन को बताएंगे कि आपका एक जो मार्केटिंग है, जो आपका स्ट्रक्चर है वेबसाइट का, उसमें अदर अदर टॉपिक्स भी हैं, उसमें अदर अदर सर्विसेज भी हैं और आपकी एक ब्रॉड रेंज जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो आप नॉर्मली टारगेट कर सकते हैं. तो मतलब यह कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दे रहे हो तो आप उसमें भाई सोशल मीडिया सर्विस भी दे रहे हो, ईमेल मार्केटिंग भी दे रहे हो, कंटेंट मार्केटिंग भी दे रहे हो, वेबसाइट डेवलपमेंट मार्केटिंग भी दे रहे हो. तो जब आप ये सारे क्लस्टर्ड को ऐड कर लोगे अपनी वेबसाइट पर या पर्टिकुलर कंटेंट पर, तो अभी गूगल समझ जाएगा कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जहां पर कस्टमर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड, कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड सर्विस लेगा तो उसको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी या उसको उस सर्विस वहां पर आपकी वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो वो रिलीवेंट रहेगा आपकी वेबसाइट से रिलेवेंट, क्योंकि और फिर बाद में आपको हेल्प करेगा रैंकिंग के लिए भी. कीवर्ड क्लस्टरिंग कैन बी पावरफुल एसईओ टेक्निक एज इट अलाउ यू टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर मल्टीपल रिलेटेड कीवर्ड्स रेदर देन जस्ट फोकसिंग वन प्राइमरी कीवर्ड. This can help improve the relevancy and visibility of your content in search engine result and can also help you to attract more targeted traffic to your website. तो देखो क्लस्टरिंग जो टेक्निक है काफी पावरफुल है, आपकी वेबसाइट को मल्टीपल कीवर्ड से ऑप्टिमाइज करने के लिए काफी ज्यादा अच्छी रहती है, रेदर देन आप एक प्राइमरी कीवर्ड्स पर फोकस करो. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्लस्टरिंग करनी है, किस तरह से टर्म यूज करने, तो उस तरह से अगर आप यहाँ पर टर्म्स यूज करते हैं, कंटेंट में स्टफिंग करते हैं, तो कोई आपको इश्यू नहीं रहेगा. इससे आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ेगी और सर्च इंजन पर आपकी जो रैंकिंग है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी. तो अब बात कर लेते हैं किस तरह से आप यहाँ पर टूल यूज कर सकते हैं कि आप डेंसिटी चेक करने के लिए. तो हम सीधा मिलते हैं टूल पर. तो यहाँ पर आपको फ्री टूल्स भी मिल जाते हैं डेंसिटी पता करने के लिए. तो मैं आपको एक स्मॉल SEO करके टूल आता है, हमने काफी अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में भी यूज किया है, काफी फ्री टूल है. आप नॉर्मली अगर आपको कोई और टूल है जो आप जानते हैं देन आप नॉर्मली कर सकते हैं कीवर्ड डेंसिटी चेकर टूल्स, या फिर आपको स्मॉल SEO मिल जाएगा जो फ्री है. SEMrush अगेन आपको यहाँ पर पेड टूल रहेगा, तो ये आपको मैं बेटर रहेगा अगर आप एक न्यू कमर्स हैं, एक फ्रेशर हैं, तो देन आप कीवर्ड डेंसिटी चेकर जरूर यूज करें. सो कीवर्ड डेंसिटी चेकर मैं यहाँ पर एक बार यूज कर लेता हूँ. देन मैं एक अपनी वेबसाइट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, bydigitalmarketing.in. आप हमारी वेबसाइट पर जाकर काफी सारे ट्यूटोरियल्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपको जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेरीज हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगी और इवन आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली अगर आपका कोई यहाँ पर क्वेश्चंस है तो bydigitalmarketing.in पर जाकर. तो मैं यहाँ पर ये नॉर्मल यहाँ से ये ऑल इन वन SEO का मैंने ट्यूटोरियल लिया है जो हमारी वेबसाइट पर है, मैं इसको कॉपी करके
यहाँ पर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर देखो मिल जाएगा कीवर्ड डेंसिटी चेकर टूल। देन आप यहाँ पर टेक्स्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर आपके पास टेक्स्ट यहाँ पर फॉर्म में है, आपने लाइक जब आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूआरएल में भी नॉर्मली डाल सकते हैं। तो मेरे पास डायरेक्टली पहले से ही टेक्स्ट है, अगर हम चाहें तो डायरेक्ट उसे कॉपी भी कर सकते हैं, बट भाई ठीक है, तो इस तरह से भी आप ये नॉर्मली कर सकते हैं। देन मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट ये अपना यूआरएल डाल रहा हूँ। सो आप जब यूआरएल और टैक्स में डालेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्योंकि तो देखो यूआरएल में आप जब डालेंगे तो आपको इंक्लूड टाइटल्स और ऑल टाइटल्स भी मिल जाएंगे, जो ये और ये आ जाता है आपको, ठीक है, जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में आ जाता है। देन मैंने दोनों को चेक इन कर लिया है, देन वी कैन एक्सप्लोर कीवर्ड डेंसिटी। सो रिजल्ट यहाँ पर देखो मिला, देखो हमारा पूरा ये यूआरएल आ गया है। देन मेन मिल जाएगा वेबसाइट का टोटल कीवर्ड 300, जो ये यहाँ पर हमने क्लस्टरिंग और डेंसिटी किया हुआ है और स्टफिंग किया हुआ है। देन अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए सर्च इंजन की आपको 9 टाइम फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, प्रीमियम वर्जन की आपको 7 टाइम फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, एक्सएमएल साइट मैप 6 टाइम, वेबसाइट एसईओ 6 टाइम। तो इस तरह से आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। नीचे पूरी आपको रिपोर्ट मिलेगी और आपको इस टूल पर रिपोर्ट मिल जाएगी 1 वर्ड के बेस पर, 2 वर्ड्स के बेस पर, 3 वर्ड्स के बेस पर और 4 वर्ड्स के बेस पर, यानी कि सेंटेंस के बेस पर भी आपको मिल जाएगी। 1 वर्ड में अगर हम बात करें साइट्स को, हमने 7 टाइम यहाँ पर फ्रिक्वेंसी चूज किया है, जिसका डेंसिटी आपको यहाँ पर मिल जाता है 9.88%, ठीक है। देन आपको नीचे देखेंगे तो आपको आप वेबसाइट्स का भी ऐसा ही मिल जाएगा, तो ये 6%, 5%, ये सारे ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाएंगे, फीचर्स वगैरह। देन अगर हम बात करें जो मेन ये रहती है, ये बात होती है कि आपने 2 कीवर्ड, 3 कीवर्ड या पैराग्राफ कितने बार यूज किए हैं। देन सर्च इंजन हम देखें तो 9 टाइम्स यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यूज हुई है, 9.5.23 की डेंसिटी यहाँ पर गई है। तो जितनी भी है यहाँ पर देखो 5 से 6% से नीचे रहेगी, तो जो मुझे लगता है कि इज बेटर, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी इसको यूज कर रहे हैं, तो यही है। देखो सर्च इंजन का सर्च इंजन ही लिख सकते हैं, अदरवाइज वी कैन यूज द टर्म्स, राइट। जैसे हमने भी बात किया क्लस्टरिंग का, एससीआरपी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा यहाँ पर ज्यादा यूज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है। देन प्रीमियम वर्जन की अगर हम बात करें तो 7 टाइम्स यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, अगेन हम इसको प्रो वर्जन या फिर हाई क्वालिटी वर्जन करके भी हम यूज कर सकते हैं। एक्सएमएल साइट मैप 6 टाइम हुआ है, तो एक्सएमएल साइट मैप्स के लिए हम लोग चाहे तो नॉर्मली एक्सएमएल साइट मैप्स या फिर साइट मैप्स ही यहाँ पर नॉर्मल यूज कर सकते हैं। वेबसाइट एसईओ 6 टाइम यूज हुआ है, तो हम इसको वेब एसईओ या फिर वेबसाइट एसईओ या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट एसईओ या वेबसाइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इस तरह से हम इसको चीजें यूज कर सकते हैं। एसईओ प्लगइन्स में भी हम नॉर्मल इसको एसईओ प्लगइन या नॉर्मल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन्स या वर्डप्रेस प्लगइन्स, एसईओ वर्डप्रेस प्लगइन्स, इस तरह से हम लोग चीजें यूज कर सकते हैं। देन 3 वर्ड्स में अगर आप देखें तो काफी मुझे ठीक लग रहा है यहाँ पर, 2% से ज्यादा नहीं है। तो सर्च इंजन विजिबिलिटी 4 टाइम्स, फीचर्स प्रीमियम वर्जन 3 टाइम्स, वेबसाइट सर्च इंजन 3 टाइम्स, इंटरफेस ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट 2 टाइम्स यहाँ पर आया है। देन 4 वर्ड्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 1.74 से ज्यादा की डेंसिटी कहीं नहीं है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे तो वेबसाइट सर्च इंजन विजिबिलिटी 3 टाइम्स, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट 2 टाइम्स, ऑफर एडिशनल बेनिफिट टेक्स 2 टाइम्स, ऑफर यूजफुल फीचर्स प्रीमियम वर्जन 2 टाइम्स, प्रीमियम वर्जन एसईओ ऑफर 2 टाइम्स। तो इस तरह के आपके ऑप्शंस मिल जाते हैं। देन अगर मैं आपको एक बार और वर्डप्रेस प्लगइन्स के जो हमने पहले वीडियो बनाया था उसके रिलेटेड मैं आपको टेक्स्ट बेस्ड यहाँ पर देता हूँ। मैं इसको पहले इतना इतना कॉपी कर लेता हूँ। देन अगर आप दोबारा इस टूल पर जाएंगे, एक बार इसको रिफ्रेश यहाँ पर कर देते हैं, रिफ्रेश कर दिया है, इसको पेस्ट कर देते हैं। एक्सप्लोर द डेंसिटी, सो अब यहाँ पर देखेंगे तो कीवर्ड जब हमने यहाँ पर पेस्ट किया अपना डेटा, अपना कंटेंट पेस्ट किया, तो आपको इस तरह के डेटा मिल जाएगा, लाइक नॉर्मल कीवर्ड्स ऊपर फ्रीक्वेंसी, लाइक नेसेसरी वर्डप्रेस, ई कॉमर्स, वर्डप्रेस वेबसाइट, प्लगइन्स और ये नॉर्मल वन वन वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड्स और 4 वर्ड, जैसे अभी हमने यहाँ पर नॉर्मल लिया था जब हमने यूआरएल पेस्ट किया हो किया। आई होप आपको कीवर्ड स्टफिंग क्लस्टर
और कीवर्ड डेंसिटी के बारे में समझ में आया होगा किस तरह से यहाँ पर आप कीवर्ड डेंसिटी यूज कर सकते हैं सर्विसेज पेजेस के लिए, प्रोडक्ट पेजेस के लिए, किस तरह से आप रिलीवेंट टर्म्स को यूज कर सकते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में हमने यूज किया डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, इस तरह से किस तरह से आप क्लस्टरिंग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में अगर आप हैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग सॉल्यूशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग हेल्प, ईमेल मार्केटिंग हेल्प वगैरह के कीवर्ड आप यहाँ पर यूज करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और देखो कीवर्ड डेंसिटी अगर आपको यूज ही करनी है तो आप उसको 2% से 6% ज्यादा ना रखो। टूल में आप अपने एक बार चेक कर ले स्मॉल एसईओ की आप हेल्प ले सकते हैं कंटेंट वेबसाइट पर पोस्ट करने से पहले ही, तो ठीक है। और कीवर्ड आप जब भी यूज करें ऑप्टिमाइज अच्छे से करें, कंटेंट अच्छे से लिखें, क्योंकि देखो जो गूगल है वो रिलीवेंट कीवर्ड्स आपकी पसंद करता है। रिलीवेंट कीवर्ड्स अगर कंटेंट में है तो वो पसंद करता है, रिलीवेंट कंटेंट है जो यूजर फ्रेंडली है, यूजर्स के लिए है, यूजर्स को समझ में आए इस तरह का आप कंटेंट लिखते हैं, क्रोलर्स उसको समझते हैं कि पर्टिकुलर नीश में ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो आपकी वेबसाइट नॉर्मली वो रैंक जरूर करेंगे। अगर आपको नॉलेज हंगर का ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया है प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को ये चैनल के यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हो। हम वीडियो फ्री में बनाते हैं, आप वीडियो फ्री में देखते भी हैं, अब हमारे पास ज्वाइन का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो हमारे मंथली पैकेज यहाँ पर ज्वाइन के आप ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं। हमारे पैकेज 89 रुपीज पर मंथ से यहाँ पर स्टार्ट है, जिनके अपने खुद के बेनिफिट है, एक बार आप जाकर वहां पर जरूर चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज हंगर यूट्यूब चैनल।